अपना विल पावर स्ट्रांग रखते हैं तो तप हो जाता है। असंभव में संभव करना रहे वह संभव न करे वह चरणों में कोटिश कोटिश लंगर गिरनार विराजित श्री नेमिना दादा ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। शत्रुंजय विराजित श्री आदिश्वर दादा ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। शासन स्थापक श्री महावीर स्वामी ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। मारा हैयामा विराजित श्री संकेश्वर पार्षद दादा ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। घर की खिड़की खोले अने दर्शन थाय तेवा सुविधिना दादा ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। घर मंदिर में विराजित श्री अजीतना दादा ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। चौबीस से चौबीस तीर्थंकर ना चरणों में कोटिश 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 वंदन। मेरे सभी तपस्वियों की तरफ से मैं सभी चौबीस तीर्थंकर को कोटिश वंदन देती हूँ कि हमें आगे और कप में बढ़ने की और भावना और शक्ति दे सके। मेरे गुरु श्री चांदी गुरुदेव ना चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। चौमासा शुरू हुआ चारों तरफ तप का जय जयकारा। तप की इच्छा करना बहुत हुआ मन में लेकिन एक डर था इतना बड़ा सिद्धि तप होगा या नहीं होगा। प्रभु पे अतूट श्रद्धा देव गुरु की कृपा गुरु मानी सुनी और तप करने का दृढ़ निश्चय किया। गुरुदेव के हस्तक्षेप एवं कचकान में इतनी ताकत है कि हमारा तप कैसे पूरा हुआ हमें पता ही नहीं पड़ा और हमारा तप सफल हो गया। ऐसे गुरुदेव परम पूज्य पुण्याश्री वितराग वल्लभ विजय जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य वीरक श्री जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन। मेरे भांजी महाराज साहब एवं उनके बुआ महाराज साहब जो मेरे तप के प्रेरणादायी है और मेरे धर्म के आइडियल मॉडल है। ऐसे प्रणीता निधि श्री जी महाराज साहब एवं सर्वोत्तम निधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। परम उपकारी माता पिता तपोपुक्षी माँ जिन्होंने ऐसा कौन सा तप ने जो अपने लाइफ में नहीं उतारा है। ऐसे परिवार ऐसे माँ को मैं और ऐसे परिवार की मैं अनुमोदना करते हुए उनकी बहुत बहुत उम्री हूँ। मेरे तप को चार चांद लगाने वाले ससुराल पक्ष बीएड तो था ही था ससुराल में आने के बाद सासू माँ जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक चौबियार तो किया ही किया लेकिन पांचों तिथि उपवास का त्याग कटास न उनके कभी नीचे तो उतरता ही नहीं था वोट होता ही नहीं था। दिन में 10-12 समय तो बहुत इजीली कर लेते थे। उनको याद करते हुए पापा जी को याद करते हुए उनकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। उनकी बहुत ऋणी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। कल्याण मित्र और रिलेटिव आज जो यहाँ पे प्रेजेंट है तब करने से पहले दिन से एंड तक रोज फोन करते हुए हो जाएगा अंजू तो ये खाना अंजू तो ऐसे करना जैसे हम तपस्या आपस में डिस्कस करते थे ना बिल्कुल वैसे। एक दिन भी कल्याण मित्र का ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। बहनों ने भाइयों ने सबने वो सब ने मुझे साथ दिया। उनकी मैं प्रेरणा करती हूँ और उनकी बहुत बहुत उम्मीद है। मेन तब के मेरे जो है अपने सकल संघ के एमबीए मार्केटर जिन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी। जैसे प्रवचन सुना बाहर आई और मैं जाने लगी तो बोले ये गेट तो अंजुमन कहा जाता है आपको पता ही है लेकिन ये वाली एक सीढ़ी चढ़ के तो देखो आप हुआ तो करना नहीं हुआ तो मत करना लेकिन मैं आपको मोक्ष नहीं दिखला रहा हूँ तब का मार्ग दिखला रहा हूँ। चलो मैं आपके साथ आता हूँ और गुरुदेव से हस्तक्षेप लो और तब चालू करो। यस प्लीज कौन थे वो राजन भाई वो आज अपने बीच मौजूद नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं परिश्रम करवाने। उनको मैं बहुत बहुत देश पे प्रणाम करके उनकी अनुमोदना करती हूँ। आज मेरा तब जो है उनकी वजह से हुआ मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ। श्रावक जो मेरे सर्वोच्च है मैंने उनको बिना पूछे राजन भाई के बोलने से पास तो ले लिया। घर पे आई और मैंने उनको बोला मैं इतना बड़ा तप करूं तो उनका सिर्फ एक ही सेंटेंस
बिल्कुल आप कर सकते हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपको 44 टेस्ट में कोई भी तकलीफ देखने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उनके ब्रीफ वाक्य मेरे लिए प्रोटीन शेक था। फिर मैंने बोला आप सब संभालोगे अकेले, क्योंकि हम दोनों ही रहते, अकेले कैसे मैनेज करोगे? तो बोले नहीं, सब हो जाएगा। मैं उनकी बहुत बहुत ऋणी हूँ, और उन्होंने विजयादशमी मेरे कहीं पे भी कमी नहीं रखी। ऐसे श्रावक को भी धन्यवाद देती हूँ, हेमंत जी, थैंक यू हेमंत जी। आज मेरी दोनों बिटिया जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके लिए मैं अश्रु नहीं निकालूंगी, लेकिन उनका मुझे इनडायरेक्टली इतना सपोर्ट है कि वो मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ उनको पूछा मैं तब करना चाहती हूँ, मुझे पता उनको क्या पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वॉट इज तब। लेकिन मुझे बोलते हैं हम आपने जीत लिए तो करोगे ही, लेकिन वो जो आप ऊपर चढ़ने वाला तब कर रहे हो या नीचे उतरने वाला कर रहे हो, मीन्स ये 44-88 डेज का तब करता है, वो उनको पता था। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उनको बताना नहीं पड़ा कि तब क्या चीज है। दूर रहकर भी मैं उनके लिए ढेर सारा प्यार देती हूँ और उनको दिल से याद करती हूँ। अपने संग के तपस्वी जिनके चेहरे पे तप, जिनके लकीरों में तप, जिनके वाणी में तप, और साता भी कुछ थे ना, तो ऐसे पॉजिटिव फाइट आते हैं उनको। और अभी वो आते हैं जिनका फर्स्ट बहुमान किया, उनको ऐसे लगता भी नहीं कि तप कर रहे हैं, और एक्चुअली ये